ये है इंदौर के बाईपास का राऊ जंक्शन, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो 6 लेन फ्लाईओवर बन रहा है, ये एक उसका आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये बहुत मायने में ये ख़ास ये प्रोजेक्ट है, और आपको ये भी बता दूं कि एक लंबे समय बाद मैं इस फ्लाईओवर का रिव्यू कर रहा हूँ। कुछ मेरे जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो उनकी ये डिमांड थी कि आप राऊ फ्लाईओवर का भी आप काम दिखाएं। ये हालांकि कुछ समय पहले तक की तस्वीरें हैं, है नवंबर महीने की ही, लेकिन थोड़ा सा मतलब 10-15 दिन पहले की तस्वीरें हैं। तो दोस्तों आप ये जो देख सकते हैं, स्लैब का जो है मैक्सिमम काम हो गया है, और इस फ्लाईओवर में लगभग 6 इसमें पिलर बनना थे और वो बन के तैयार हो गए हैं, और अब ये स्लैब का काम भी तेज़ी से जो है वो हो रहा है। देखिए आप, शटरिंग वगैरह लगी हुई है, कोई कुछ कुछ स्लैब तो बिल्कुल बन के अपने रेडी हो गई हैं। और इसका थोड़ा सा मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो दोस्तों वो आपको बता दूँ। 37 करोड़ रुपये जो है वो इस फ्लाईओवर की इसकी लागत है। 1.02 किलोमीटर लगभग ये इसकी लेंथ होगी, 6 लेन इसकी विड्थ यानी चौड़ाई होगी। ये जो फ्लाईओवर है, ये बाईपास से जो इंदौर खलघाट 4 लेन है, ये उसको जोड़ेगा भविष्य में। चूँकि अभी इंदौर खलघाट 4 लेन है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जो फ्लाईओवर है उसको 6 लेन चौड़ाई का बनाया जा रहा है। इसका दोस्तों जो काम है वो चालू हुआ था मई 2022 में, और जो इसकी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को ये जो काम है ये अगस्त 2023 तक पूरा करके देना था, लेकिन बिकॉज ऑफ जो लैंड का परमिशन नहीं मिल पाया, क्योंकि आसपास सर्विस रोड भी बन रही थी और भी कुछ अतिक्रमण वगैरह, पोल शिफ्टिंग, तो तमाम बाधाएँ जो हैं वो NHAI और जिला प्रशासन जो है वो इंदौर का मुहैया नहीं करवा पाया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सर्विस रोड ही है दोस्तों, ये बीच का जो हिस्सा है वो वहीं पे फ्लाईओवर की एक जो उसकी आर्म आएगी, तो ये नहीं बनवा पाया। तो इसलिए फिर इसको अंततः इसको एडिशनल जो है वो टाइम दिया गया है, और अब इसका नया टारगेट मार्च 2026 तक है इसको पूरा करने का, और ये तब तक ये इसके पूरे होने की जो है वो अपने पूरी उम्मीद है। चूँकि मेजर जो स्ट्रक्चरल जो काम था जो कि समय खपाने वाला था वो अब लगभग समाप्ति की ओर है। इसकी दोस्तों और मैं आपको बताऊं कुछ खास बातें, इसके जो आसपास है लगभग 900 मीटर की सर्विस रोड बनाई गई है, दोनों तरफ बनाई जा रही हैं, और दो पिलर सॉरी ये अपने दो विंग जो रहेंगी, तो बीच का जो हिस्सा है जो वो अपने 6 पिलर पे स्लैब वगैरह डलेगी, बाकी जो दोनों तरफ हैं वो आरी वॉल से जो है वो पूरा ब्रिज की जो दोनों जो उसकी भुजाएं हैं वो उसकी बनेंगी। आप देख रहे हैं बड़ा मतलब बड़ा ही यूनिक स्ट्रक्चर, और ये दिख रही है इसकी डिज़ाइन की बड़ी खूबसूरत जो है वो रहेगा। NHAI के जो दोस्तों ऑफिसर्स का ये कहना है कि ये जो फ्लाईओवर जो बनेगा ये बहुत ही ये एक फेस ऑफ द सिटी के रूप में इसको विकसित करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत और ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर इसको बनाने की इसमें मतलब पूरी कोशिश की जाएगी। तो जब ये देखते हैं दोस्तों कि इसमें कितना सफल हो पाती है NHAI, चूँकि ये वाकई ये फेस ऑफ द सिटी तो रहेगा, चूँकि ये प्रवेश द्वार है खलघाट जो महाराष्ट्र को हमें ये जोड़ता है इंदौर से, तो वहाँ से आने वाले लोगों के लिए। और यहाँ पे बनाना इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण जंक्शन है। एक तो इंदौर बाईपास मिलता है, इंदौर खलघाट 4 लेन मिलता है, इंदौर महू रोड का भी ट्रैफिक इसी जंक्शन से होके जाता है,